डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी वेलकम यू ऑल। बच्चों, हम लोग जो अब न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे वो 68 बीपीएससी पीटी के मद्देनजर करेंगे। कहने का मतलब है कि विद 68 बीपीएससी पीटी वी वुड लाइक टू डिस्कस द न्यूज़पेपर सो दैट एटलीस्ट वी कैन हैव 4 to 5 क्वेश्चंस इन आवर हैंड। ये डिस्कशन चालू करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि रीसेंट एक इंटरव्यू हुआ था बीपीएससी के चेयरमैन साहब के साथ, जिसमें वो नेगेटिव मार्किंग की बात किए थे। मींस कि अब आपके पीटी क्वेश्चन में ये नेगेटिव मार्किंग की भी संभावना है और कुछ एग्जाम में ये चालू भी हो गया है। बट एनीवे, घबराने की बात नहीं है। इसलिए घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमारा काम यह है कि कल होके जो भी निर्णय हो बीपीएससी का, आप लोग की तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिबेट एंड कॉन्ट्रोवर्सी वेदर नेगेटिव मार्किंग शुड बी फॉर फ्यू क्वेश्चंस और ऑल क्वेश्चंस। मेरा इस डिबेट में ना मेरे बात का कोई वैल्यू होगा। बीपीएससी की अपनी थिंक टैंक है, मेरा रोल जो है बहुत ही लिमिटेड है और वो लिमिटेड रोल में ये है कि आप लोगों की तैयारी ऐसी हो कि किसी भी तरीके का फॉर्मेट आगे के बीपीएससी एग्जाम में हो तो आप इसके लिए तैयार रहें। वंस यू आर रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, माय रोल इज ओवर। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस चालू करते हैं। देखिए बच्चों कि यदि बिहार करंट अफेयर्स में बिहार का एक न्यूज़पेपर आपको एक ऐसा बेस, ऐसा बैकग्राउंड रखना जरूरी है। और इसी में चलते हैं। देखिए एक न्यूज है, छत पर या मोहल्ले में तालाब बना रहे तो पानी का उपचार अवश्य करें। ये छठ पूजा के संदर्भ में ये था कि लोग अर्घ देने के लिए घर पे ही या छत पे ही पॉन्ड बना लेते थे, जलाशय बना लेते थे ताकि अर्घ दे सके। तो बैकग्राउंड वो है, लेकिन ये सावधानी किसके लिए है? ये सावधानी है डेंगू के लिए। ये सावधानी है आपका डेंगू के लिए कि इसको निपटने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए डेंगू का जो मच्छर का जो लार्वा होता है, डेंगू मच्छर का जो लार्वा होता है, यू विल फाइंड दैट इट रिप्रोड्यूसेस ओनली इन फ्रेश वाटर। मींस डेंगू के मच्छर का लार्वा साफ पानी में ही पनपता है। साफ पानी हो, फ्रेश वाटर हो, तभी ये लार्वा पनपता है। सो उपाय के रूप में ये होना चाहिए कि जो भी आप जलाशय बनाए हैं, जो भी आपका वाटर सोर्स है, उसे रेगुलर जो है वाटर का एग्जिट हो, माने जल का निकासी हो, यानी जल का निकासी हो। और इस निकासी में यदि कोई रिकावट है, यदि जल का निकासी नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट रिमूव द वाटर फ्रॉम द टैंक, देन व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेंगू। तो इसके लिए जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं फॉगिंग। इसको हम लोग फॉगिंग के रूप में जानते हैं। ये प्रोसेस है, फॉगिंग से आप डेंगू का रोकथाम कर सकते हैं। या आप एंटी लार्वा रसायन इस्तेमाल करें। आप यदि एंटी लार्वा रसायन इस्तेमाल करें या एंटी लार्वा केमिकल, इसको बोलते हैं एंटी लार्वा आप केमिकल इस्तेमाल करें, तो भी आप डेंगू के रिप्रोडक्शन के, इसके प्रजनन को आप रोक सकते हैं। यदि बहुत सारा उपाय है जिससे कारण आप घर बैठे उपचार कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंगू। दिस इज व्हाट द न्यूज़पेपर सेज। एक तरीका बता रहे हैं ये लोग कि यदि पानी निकालने का उपाय नहीं है, तो आप किरासन तेल, केरोसिन ऑयल का छिड़काव करें।
यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप चूना लाइम का इस्तेमाल करें, या वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप ब्लीचिंग पाउडर का आप छिड़काव करें। तो ये सबसे आप डेंगू का रोकथाम होता है। तो ये न्यूज आपके इस कॉलम में दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे न्यूज पे चलते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और ये है आपका, इस फोटोग्राफ्स को देखिए। यहाँ पे आईपीएस शिवदीप लांडे हैं। ये आईपीएस शिवदीप लांडे, ही हैज रिटन एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक किताब लिखे हैं, और इस किताब का नाम है वुमेन वुमेन बिहाइंड द लायन, वुमेन बिहाइंड द लायन। दिस बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे, और दिस इज अ नरेशन ऑफ हिज मदर स्टोरी, हाउ सी हैज स्ट्रगल्ड, हाउ सी हैज सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू मेक हिज सन एन आईपीएस ऑफिसर। तो ये आपका दूसरा न्यूज है। तो पहला न्यूज है कि आपका जो डेंगू है, डेंगू का रोकथाम आप कैसे करें। दूसरा न्यूज है कि आप जो है, आपका जो बुक है वुमेन बिहाइंड द लायन, इट हैज बीन रिटन बाय शिवदीप लांडे। बच्चों, दिस इज द न्यू चैनल ऑफ केएसआईएस एकेडमी। जो हमारा ओरिजिनल चैनल है वो आईएएस स्टडीज के लिए डेडिकेट कर दिए हैं, और ये चैनल में सिर्फ आपके बीपीएससी पीटी और मेंस, मींस ये चैनल तब तक काम करेगा जब तक कि 67 बीपीएससी मेंस ना हो जाए, और जब तक कि 68 बीपीएससी पीटी ना हो जाए। सो दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन ओनली। तो चलिए, अब हम लोग न्यूज की बात करें। तो न्यूज की बात करें तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका पर्यावरण, एनवायरमेंट में आप जो है, एक सेक्शन है जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अब इसे इकोसिस्टम में क्या हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या इसका मोटिव है, इसको आप समझिए। पहला बात यह है कि भले ही आप सांप से डरते हो सपोज, लेकिन सांप भी आपके अस्तित्व के लिए उतना ही जरूरी है। भले ही आपके मगरमच्छ, यू आर स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल्स, लेकिन आपके एग्जिस्टेंस के लिए क्रोकोडाइल भी उतना ही जरूरी है जितना आपका जिंदगी आपके लिए जरूरत है। बिकॉज ऑल ऑफ अस आर रिलेटेड इन वन और दी अदर वे, और इसी को, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के खाद्य पदार्थ बनते हैं। पौधे किसी के खाद्य पदार्थ बनते हैं, फूड प्रोडक्ट बनते हैं, जो एनिमल उसको खाते हैं पौधों को, वो किसी और के खाद्य पदार्थ बनते हैं। सो ऑल ऑफ अस आर लिंक्ड, और इस लिंकिंग को हम लोग कहते हैं फूड चेन या खाद्य पदार्थ श्रृंखला। अब देखिए, व्हाई दिस न्यूज, हम लोग इस न्यूज को एनालाइज करेंगे। खेतों से घरों तक कीट पतंग नदारद। देखिए, कीट पतंग इंसेक्ट्स जो है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कीट कहते हैं, हम लोग इस वे में लेते हैं कि ये बहुत ही हानिकारक है, खतरनाक है। और जब ह्यूमिडिटी रहता है एटमॉस्फेयर में, जब आपका बारिश होता है, पानी होता है, तो इस तरह का कीट में बहुत ज्यादा प्रजनन होता है। द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंसेक्ट्स ग्रो ड्यूरिंग द इफ द एटमोस्फियर इज ह्यूमिड। लेकिन ये सूखा हो गया तो ये कीट जो है, इनका पनपना कम हो जाता है, इनका प्रजनन कम हो जाता है। ऐसे स्थिति में फार्मर्स के लिए, किसान के लिए फायदा ये होता है कि वो कम कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, और कुछ पौधों के लिए कीट जो है हानिकारक भी होते हैं। तो एक डाटा हम लोग लेते हैं, और डाटा से हम लोग समझते हैं कि अभी फिलहाल
जो इस एग्रीकल्चर सीजन में, इस कृषि मौसम में जो हम लोग एक एनालिसिस किया गया है, इसमें देखिए कि कीट की संख्या है ना, इंसेक्ट्स का जो क्वांटिटी है वो करीब 41%, 41% कीटों की संख्या घट चुकी है। यदि गार्डन में जाएंगे, बागों की आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो इसमें भौरे भौरे की संख्या, भौरों की जो संख्या है वो 49%, 49% ये कम हो गया है। पतंगे 37% कम हो गया, और तितलियां, बटरफ्लाई के में 53% का गिरावट है। अब देखिए, बट यदि हम लोग इंसेक्ट्स की बात करें, हम लोग भौरे की बात करें, हम लोग पतंगे की बात करें, हम लोग यदि तितलियां की बात करें, दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये हमारे इकोसिस्टम के पार्ट है। और इकोसिस्टम के पार्ट होने से यदि इसकी, इनकी आबादी में, पॉपुलेशन में गिरावट आती है, तो ऐसे स्थिति में हमारे इकोसिस्टम है ना, हमारा जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण का जो प्रणाली है, इस ये भी बैलेंस उसका डिस्टर्ब होगा। अब कैसे बैलेंस डिस्टर्ब होगा, इसको जरा हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यही इस जो है न्यूज का ये एनालिसिस है। अब देखिए, कीट, हम लोग जो जनरल इंप्रेशन होता है, इंसेक्ट्स ये नुकसान करते हैं, इट इज हार्मफुल, इंसेक्ट्स आर हार्मफुल, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग, इंसान के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। अब ये हम लोग देखते हैं कि कैसे ये पर्यावरण के लिए और ह्यूमन बींग, इंसान के लिए ये जरूरी है। दिस इज ऑल लिंक्ड। हम लोग फूड चेन का जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होता है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, नंबर एक ये है कि कुछ फसलों को, सर्टेन क्रॉप्स और पेड़ पौधे के फैलने में, फूलने में सम ऑफ द इंसेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, मीन सम ऑफ द इंसेक्ट्स आर हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, सर्टेन ट्रीज। तो पहला है कि ये फसलों और पेड़ पौधों के फैलने फूलने में सहायक होते हैं, मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, पौधों का जो पराग है, जो पॉलन ग्रेन्स है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू ये फैलता है। नंबर टू है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ दी प्लांट्स, तो पौधे के पराग को ये फैलाता है। आपकी मिट्टी और पानी को शुद्ध करता है, दे प्यूरिफाई द सॉयल एंड वॉटर, तो ये मिट्टी और पानी को ये शुद्ध करता है। अब चलते हैं हम लोग कचरे का, कचरा कचरा या वेस्ट। यदि इंसेक्ट, सर्टेन इंसेक्ट्स, कुछ कीट जो हैं, इस कचरा वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, इस कचरा और वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल होने से खुद इंसेक्ट्स भी एक बैलेंस में रहते हैं। अच्छा, देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सर्टेन क्रॉप्स। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो कि इसीलिए जीवित रहते हैं क्योंकि उसमें कीटों का सहयोग होता है। और यदि कीट का गिरावट आता है इनके एनवायरनमेंट में, इनके ग्रोथ में आपका डाउनग्रेडेशन होता है, गिरावट आता है, तो ऐसे स्थिति में ये पूरा चक्र जो है, ये पूरा साइकिल जो है आपका अनबैलेंस हो जाएगा,
चक्र जो है वो टूट सकता है. सो वी हैव टू मेंटेन द साइकिल. और कीट का कम होना मतलब ये साइकिल, ये चक्र आपका टूट गया. कितने मच्छर और कीट पतंग पौधे का रस पीकर जीवित रहते हैं, है ना? द मेनी इंसेक्ट्स मॉस्किटोज दे सर्वाइव ऑन द जूस दे गेट टेक इट फ्रॉम द प्लांट्स, नंबर वन. और ऐसे कीट, ऐसे मच्छर जो पौधों का रस पीकर जीवित रहते हैं, ये अधिकतर परिंदों और चमगादड़ों का भोजन बनते हैं. मींस दीज इंसेक्ट्स हु सर्वाइव ऑन द जूस फ्रॉम द प्लांट्स, दे आर देमसेल्व्स फॉडर, दे आर देमसेल्व्स फूड ऑफ बैट एंड सर्टेन बर्ड्स. तो ये कीट जो है जो पौधे का रस पीते हैं, ये खुद खाद्य पदार्थ होते हैं कुछ चमगादड़ का और कुछ अधिकतर परिंदों का. अच्छा, ये कीट का जो लार्वा है, इंसेक्ट्स का जो लार्वा है, जो एग है इनका जो लार्वा है, इनके लार्वा पे आपका मछली, फिश जो है, और मेढक, फिश मछली और मेढक का खाना बनता है. मतलब कि कीट के लार्वा का, कीट के अंडे का ये भोजन होता है मछली और मेढकों का. और यदि ये सारा डिस्टर्ब हो गया, मींस कीटों का अस्तित्व यदि खत्म होने लगे, तो मानव जीवन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ना तय है. मींस वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंसेक्ट्स इन द एनवायरमेंट, अदरवाइज देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट, देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. तो बच्चों, इस डिस्कशन के साथ ही इस सेशन को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं. आगे का डिस्कशन हम लोग DNA 8 में करेंगे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर.